स्वागत है। और आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले असली न्यूज टीवी पे मिलती रहे। तो दोस्तों, इस माहौल के बीच सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या दुनिया की महाशक्ति अब चीन बनेगा। अगर दुनिया के नक्शे पर देखा जाए तो अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों को छोड़कर तकरीबन बाकी दुनिया कोरोना के इस लाल खतरे की जद में है। इस लाल रंग के कई मायने भी हैं। कोरोना ने दुनिया का राजनीतिक और भौगोलिक समीकरण ही दाव पर लगा दिया है। लिहाजा अब ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि इस महामारी के बादल छटने के बाद दुनिया की तस्वीर ही बदल जाएगी। बहुत मुमकिन है कि अमेरिका का सुपर पावर का तमगा भी छिन जाए और दुनिया का पावर सेंटर वेस्ट से ईस्ट की तरफ हो जाए, यानी चीन की तरफ, क्योंकि मौजूदा हालत को देखते हुए साफ है कि कोरोना से बचने के लिए दुनिया चीन की शरण में जा रही है। आज अमेरिका समेत पूरी दुनिया इस जानलेवा वायरस की वजह से चीन की तरफ झुकी हुई नजर आ रही है। इन सभी देशों को कोरोना से लड़ने के लिए चीन का एक्सपीरियंस और उसके मेडिकल इक्विपमेंट की जरूरत है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक और इंग्लैंड से लेकर ईरान तक सभी इस महामारी से बचने के लिए चीन की मदद ले रहे हैं। दोस्तों, ये वही इटली है जो अमेरिका के प्रभाव में कोरोना के शुरुआती दौर में उसे चीनी वायरस कह रहा था। तब चीन बदनामी के डर से उससे यह गुजारिश कर रहा था कि यह एक महामारी है और वो इस वायरस को इस मुल्क से ना जोड़े, मगर देखते ही देखते वक्त ने ऐसी करवट ली कि अब इटली कोरोना से लड़ने के लिए चीन के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका के बाद स्पेन जो इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है वो भी चीन की शरण में है और चीन से अब तक करीब 432 मिलियन यूरो यानी कि 36 अरब रुपए का मेडिकल इक्विपमेंट खरीद चुका है। यहां तक कि अमेरिका भी चीन के सामने झुक गया और वो भी कोरोना से लड़ने के लिए चीनी इक्विपमेंट आयात कर रहा है। अपनी तसल्ली के लिए आप अमेरिकी अखबारों की हेडलाइंस पर भी नजर डाल सकते हैं जिसमें लिखा है कि व्हाइट हाउस ने कोरोना से लड़ने के लिए चीनी इक्विपमेंट को मंजूरी दे दी। इसके अलावा चीन ईरान और कनाडा को भी मेडिकल इक्विपमेंट मुहैया करा रहा है। अब जाहिर है चीन जैसा देश समाज सेवा तो कर नहीं रहा है बल्कि वो इस मौके को भुनाकर दुनिया पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। कुल मिलाकर दुनिया के 50 से ज्यादा ऐसे देश हैं जो कोरोना की यह जंग चीन के भरोसे लड़ रहे हैं और चीन भी उनकी खुशी खुशी मदद कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि महामारी जब तक चलेगी तब तक उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना आप बहुत ख्याल रखिए।